तो यदि समझदारी के साथ ये तीन मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। बात ऐसी है कि माननीय अशोक जी सिंघल ने बहुत पहले से कहा था कि विदेशी आक्रमकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े, उनमें से केवल तीन मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं और इसलिए आप लोगों को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। आपको एक बात बता देता हूं, इस विवाद को आप कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद मत समझना, मैं इसमें पहले से जुड़ा हुआ हूं। मूल बात यह है, आक्रमकों के द्वारा जो अपमान किया गया उस अपमान के चिन्हों को नष्ट करना, इतनी ये बात है। आक्रमक अलग बात है और इसलिए आक्रमण के इन सारे निशानों को नष्ट करने के लिए केवल तीन मंदिर मांगे थे। अब बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे। आखिर परमात्मा की कृपा से शांति से वह समाधान हो गया। तो जब शांति से समाधान होने का दौर चल गया तो मेरा विश्वास है कि अगला समाधान भी शांति से होगा। आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ शांति से होने वाला है। मेरा देश बदल रहा है, सबके भीतर सद्बुद्धि जग रही है और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है। मैंने पहले ही बतला दिया कि तीन मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए यदि समझदारी के साथ ये तीन मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे।